नमस्कार, द वायर के फेसबुक लाइव में आपका स्वागत है। मैं अमित सिंह, हमारे साथ हैं अजोय आशीर्वाद। ये गुजरात चुनाव का को कवर करके अभी गुजरात से वापस ही आए हैं। सर, आप कितने दिन रहे गुजरात में और किन किन इलाकों का दौरा किया, और आपका पहला कमेंट क्या है इस चुनाव को लेकर? करीबन 15 दिन रहा, अहमदाबाद से शुरू किया अपना ट्रिप और फिर नॉर्थ गुजरात के विलेजेस होते हुए फिर उसके बाद कच्छ पहुंचा। कच्छ में 2-3 दिन बिताकर फिर उसके बाद सौराष्ट्र का मोटा मोटा एरिया कवर करने की कोशिश की। हालांकि 15 दिनों में बहुत कुछ तो होता नहीं है, लेकिन जितना कोशिश कर सकते थे उतना किया। थोड़ा कोस्ट लाइन छूट गया मेरे से, और फिर उसके बाद सेंट्रल गुजरात का एक एरिया जिसको चरोत्तर कहते हैं, जो एग्रीकल्चरली सबसे प्रॉस्परस है, तो वो वहाँ वहाँ गया और फिर बड़ौदा से अपना ट्रिप एंड किया। आप साउथ गुजरात का एरिया आपने कवर कर ही लिया था, तो हमने सोचा कि यहाँ तक ठीक है, इस पर कर लिया जाए। और पहला कमेंट ये है, जिस एरिया में एटलीस्ट मैं जहाँ जहाँ गया वहाँ एक बहुत परसेप्टिबल स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर दिखने को मिल रहा है। मतलब इतना स्ट्रॉन्ग जो कि सिर्फ एक, क्योंकि ये 22 सालों से नॉन कांग्रेस रिजीम्स में रहे, प्लस गुजरात परिवर्तन पार्टी जो केशुभाई पटेल की पार्टी को अगर थोड़े 1-2 साल छोड़ दिया जाए तो मोटा मोटी पूरा ही बीजेपी का राज रहा वहाँ पे। तो एक डिसिल्यूशनमेंट ही सिर्फ नहीं, एक गुस्सा भरा हुआ है लोगों के अंदर बीजेपी के खिलाफ। अगर वो कितना वोट में ट्रांसलेट होता है वो तो अभी हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन तीन चीज़ों को लेकर गुस्सा भरा हुआ है अलग अलग सेक्शंस में, और ख़ास करके उन सेक्शंस में जो कि अपने ही बिजनेस से, अपने ही खेती से पैसा कमाते हैं और जीते हैं। उसमें एक तो है, हर जगह में मुझे पूछने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, मगर एक फार्मिंग क्राइसिस कि उनको अपने उपज का, क्रॉप का पैसा ठीक से मिल नहीं रहा है, टाइम पे नहीं मिल रहा है एक, और जितना 2012 या 11 में मिलता था, चाहे वो ग्राउंडनट हो, मूंगफली हो, चाहे वो कॉटन हो, चाहे वो तंबाकू हो, या चाहे वो कपास हो, जो जितना 2012 हर समय हर जगह एक सुनने को मिला कि 2010 से लेकर 2012 में जितना पैसा मिल रहा था वो उसका आधा हो गया है बिल्कुल। वो अलग अलग कपास में कुछ अलग हुआ है, तंबाकू में कुछ कुछ अलग हुआ है, लेकिन ये फार्मिंग क्राइसिस, खेत मजदूर, उसमें वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड हुए हैं। यंग लोगों से बात किया जब, जो कि अब खेती में जाना नहीं चाह रहे हैं, वो उनके लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा रोज़गार है कि रोज़गार मिल नहीं रहा है, सरकारी नौकरियां तो है नहीं, प्राइवेट अगर नौकरियां जो अगर हो रही हैं उसमें भी बहुत कम पैसे मिलते हैं, और इस सरकार ने, जो भाजपा की सरकार है, उसको एड्रेस करने के लिए कुछ नहीं किया। प्लस एक दूसरा सेक्शन ये है जो कि छोटे व्यापारी, वहाँ के छोटे व्यापारी एक बहुत बड़ा सेक्शन है, लेकिन वो छोटे व्यापारी वैसा नहीं है जैसा हम बाकी देश में समझते हैं। ये छोटे व्यापारी का टर्नओवर 20 करोड़ से लेकर 100 करोड़ उतना भी हो सकता है, इतना वहाँ पे बिजनेस है इस तरीके का। उनमें एक भारी डिसिल्यूशनमेंट है कि ये जो बैक टू बैक डीमोनिटाइजेशन, नोटबंदी उसके बाद GST ने इनकी कमर तोड़ दी है, उन लोगों ने ये कहा है अब, और वो इस, हालांकि नोटबंदी और GST उतना बड़ा इशू नहीं है, वो खुद से नहीं बता रहे, लेकिन वो इस, ये मोदी सरकार ने ये लागू किया जो, उससे वो एक एरोगेंस समझते हैं कि आप जानते हैं कि इस तरीके से रुइन हो रही है हमारी इकोनॉमी। गुजरात का मोटा मोटा बिग इंडस्ट्रीज को अगर छोड़ दिया जाए तो सारे लोग धंधे पे विश्वास करते हैं और कुछ ना कुछ नौकरी नहीं करना चाहते हैं और कोई ना कोई धंधे में घुसना चाहते हैं, स्मॉल बिजनेसेस। तो उसमें ये एरोगेंस कहाँ से आई, और ये एरोगेंस उनको लगता है कि ये 22 साल से जो पावर में है, यहाँ गुजरात में थी और अब देश में है, इनको एक ये एरोगेंस को कम करना पड़ेगा। ये घमंड जो है, एक घमंडी सरकार के रूप में मोदी सरकार दिख रही है। हालांकि स्टेट, गुजरात स्टेट गवर्नमेंट की इतनी बात हो नहीं रही है कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या नहीं किया। हालांकि विजय रूपानी, मुझे लगा जितना मैंने सोचा था कि वो उतने बड़े फिगर नहीं है। एक चीज सर, कि पिछले 22 सालों में गुजरात का जो चुनाव रहा है हमेशा वो धर्म के आधार पर लड़ा जाता था, हर बार चुनाव हिंदू मुस्लिम हो जाता था, इस बार जाति फैक्टर आया है उसमें, ये बदलाव है। इस पे दो सवाल हैं कि जाति कितना असर करेगी वोट टिकट करने के लिए, और फिर धर्म कहाँ है इस पूरे चुनाव में? वही एक ये चीज, मतलब ये मीडिया में इस तरीके की डिबेट तो काफी चल रही है, और ये भाजपा की का कैंपेन भी है कि विकास के लिए हम खड़े हैं और विकास वर्सेस कास्ट पॉलिटिक्स जो कांग्रेस कर रही है। लेकिन ये तो एक ऊपरी तह से देखने वाली बात है, लेकिन ये जो मैंने तीन कहा, फार्मिंग क्राइसिस, रोजगार और
ये जो एक छोटे व्यापारियों को ये लगता है कि ये सरकार इतनी घमंडी हो गई है कि पहले नोटबंदी और फिर जीएसटी लगातार इतनी जल्दी जल्दी किया, तो ये फैक्टर मेरे हिसाब से ज़्यादा काम कर रहा है। जाति की जहाँ से जहाँ तक बात करें तो गुजरात कभी जातिहीन राजनीति हुई ही नहीं थी कभी भी। 1985 में अगर 1981 और 1985 में जो पाटीदारों ने आंदोलन किया वो पूरी तरीके से एंटी रिजर्वेशन आंदोलन ही था, और कि मतलब ओबीसी और शेड्यूल कास्ट और इन लोगों को जब रिजर्वेशन मिल रहा है तो पाटीदारों को क्यों नहीं मिल रहा है। और 1985 में यही हुआ था कि ये जो पाटीदार आंदोलन एंटी रिजर्वेशन मूवमेंट चला उसमें बीजेपी ने उसको कैपिटलाइज किया और पाटीदार पूरी तरीके से ऑलमोस्ट मतलब कंसोलिडेटेड तरीके से बीजेपी के साथ जुड़ गए। उसके बाद से कम्युनलिज्म का जो पूरा सेंटिमेंट है, जो खाम का अलायंस था उसमें मुस्लिम को भी रिजर्वेशन कुछ बैकवर्ड कम्युनिटीज को मिल रहा था, तो बीजेपी ने उसको एक एंटी मुस्लिम रंग दिया और वो हिंदू मुस्लिम होता गया। लगातार सीरीज ऑफ राइट्स होने के बाद 2002 में एक सबसे बड़ा राइट हुआ जब से ये पूरी तरीके से हिंदू मुस्लिम राजनीति में कन्वर्ट हो गई। लेकिन प्रॉब्लम इसमें ये है कि इस बार बहुत कोशिश हो रही है भाजपा की तरफ से कि इसको एक हिंदू मुस्लिम राजनीति में बदला जाए, लेकिन इसका कहीं असर मुझे तो दिखा नहीं। हर आदमी ये बल्कि पाटीदार जो अब पूरी तरीके से बीजेपी से गुस्सा है, हालांकि हो सकता है वोट करे उसमें से कुछ लोग, बहुत लोग, लेकिन ये वो हिंदू मुस्लिम राजनीति की तरीके से गुजरात के इस चुनाव को तो कम से कम नहीं समझना चाह रही है, और बल्कि उससे सतर्क भी है कि ये हिंदू मुस्लिम राजनीति ना हो। ये मैंने बहुत जगहों में सवाल भी पूछा कि आपको नहीं लगता है कि आप अगर आप भाजपा के अगेंस्ट वोट करेंगे जो पाटीदार नाराज हैं तो आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस आ जाएगी और उसमें मुस्लिम का वर्चस्व बढ़ जाएगा? बोला इस तरीके से उन लोगों ने कहा कि इस बार हम वो सब कुछ सोच ही नहीं रहे हैं। इस बार इतने दिनों से दंगा नहीं हुआ 2002 में उनका एक ये के बाद से, वो कहते हैं उनका वो परसेप्शन है, लेकिन ऐसा हमें नहीं लगता है कि इस बार जो इलेक्शन है वो रोटी कपड़ा और मकान का इलेक्शन है, जो कि कांग्रेस का जो फोरफ्रंट है, जो हार्दिक अल्पेश और मेवानी, जिग्नेश मेवानी, उसको वो रिप्रेजेंट कर रहा है, कि यूथ को रिप्रेजेंट कर रहा है और इन तीन मुद्दों को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका एक बड़ी तरीके से मुझे उसका एक अट्रैक्शन दिखा यूथ में ही नहीं बल्कि हर सेक्शंस में। और ये जो जाति वाला जो आप कह रहे हैं, जाति की राजनीति तो सिर्फ कांग्रेस ने ही नहीं की, इस तरीके से भाजपा ने भी पूरे अपनी तरीके से जो जाति के आधार पर भी एक कम्युनल वोट तो था ही, लेकिन वो हिंदू वोट में अलग अलग जातियों को हिंदुत्व के नाम पे कंसोलिडेट किया गया, जिसमें सबसे बड़ा जो सेक्शन था वो 15% पाटीदार थे प्लस बनिया थे। तो आप कहीं ना कहीं जितनी भी बीजेपी के सपोर्टर से आप मिलेंगे तो वो यही कहेंगे कि हिंदू अंत में यही सोचेगा कि मुस्लिम राज यहाँ चालू हो जाएगा तो अपने गमों को वो भूलकर, अपने दुखों को भूलकर वो जाकर बीजेपी को वोट करेगा, ऐसा वो बहुत सारे बीजेपी के सपोर्टर्स कहते हैं। लेकिन मुझे गांवों में, खास करके रूरल एरियाज में जहाँ पे ज़्यादा सीटें हैं वहाँ पे इस तरीके का दिखा नहीं, और बीजेपी जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग थी सिटी सीट्स में वहाँ पे भी उनका ग्राउंड मुझे बहुत डामाडोल लगा इस बार। अच्छा, हिंदू मुसलमान का फैक्टर जो था ये कितना दिखा? नहीं दिखा, वही मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं दिखा। अहमदाबाद को छोड़कर बाकी सारे सिटीज में गया, बड़ौदा गया, कच्छ गया और राजकोट गया, वहाँ पे ये हिंदू मुसलमान की बातचीत ही नहीं हो रही है। हालांकि भुज में जहाँ पे 35% मुसलमान है वहाँ हर चुनाव इसी के आधार पर लड़ा जाता है, और वहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी ने अपना भाषण शुरू किया वहाँ पे, उसी दिन चार जगह में और रैलियाँ की जहाँ पे कांग्रेस को और राहुल गांधी पे उन्होंने अटैक किया, लेकिन अटैक अलग अलग मुद्दों पे किया, मगर भुज में उन्होंने पाकिस्तान की बात कही, उरी की बात कही और हाफिज सईद की बात कही कांग्रेस को अटैक करते वक्त। तो इससे बहुत सारे मुसलमानों से वहाँ पे बात हो रही थी, जो कि मोदी जी को ये कह रहे थे कि मोदी जी ने हमारे वहाँ कच्छ में एक बड़ा उद्योग हैंडीक्राफ्ट्स का है और वो लोग मुसलमान वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उसमें लगे हुए हैं, तो वो लोग मोदी जी की तारीफ भी कर रहे थे। वो कह रहे थे ये मेगा क्लस्टर और हैंडीक्राफ्ट्स का जो ये बूस्ट जो मोदी सरकार के तरीके से उसके द्वारा हो रहा है,
वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। हम 5% पहले 0% जीएसटी था, लेकिन अब 5% जीएसटी है। वो देने को तैयार है, क्योंकि मोदी सरकार का कम से कम एक अटेंशन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में गया है। और अब जब बायर फैब इंडिया पैंटलून्स इस तरीके के हैं, तो उनको बड़े ऑर्डर मिलने लग गए हैं, तो उनको काफ़ी फायदा होता हुआ उनको दिख रहा है कि अगर SEZ टाइप कुछ हैंड, जिसको मोदी सरकार मेगा क्लस्टर कहती है, वो बना दे और वहाँ से एक मास प्रोडक्शन हो हैंडीक्राफ्ट का। लेकिन उन्होंने यही कहा कि ये सारी चीज़ें अपनी अचीवमेंट गिनवानी चाहिए थी उन्हें, लेकिन उन्होंने आकर यहाँ फिर से पाकिस्तान और इसकी बात कर दी। होता यूँ है कि भुज में पिछले कुछ चुनाव में 35% के आसपास लोग मुसलमान हैं वहाँ पे, तो वो हर बार हिंदू मुस्लिम चुनाव में तब्दील हो जाता है चुनाव आते आते। तो उसमें हर बार ये और वो तब, और ये भी होता है कि कांग्रेस ने जब भी मुसलमान कैंडिडेट दिया है अपनी तरीके से, तब वो और ज़्यादा होता है। इस बार भी कांग्रेस ने एक बड़े ही अपने पॉपुलर लीडर को वहाँ पे, आदम बी चाकी को वहाँ पे टिकट दिया है, और उसमें जैसे ही ये उनका कैंडिडेचर हुआ, वो फिर से चुनाव में हिंदू मुस्लिम में तब्दील हो गया। लेकिन अब जैसे ही तब्दील हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो तो हमें दिसंबर 18 को पता चलेगा। लेकिन ग्राउंड में ये वाली जो सेंटिमेंट है, वो मुझे अहमदाबाद को छोड़कर और कहीं नहीं दिखी। ये बहुत अच्छी बात है। कम से जी कम अगर गुजरात के हाँ नेताओं बिल्कुल का जो रैलियां हो रही हैं जी उनको हाँ देखें, तो मतलब वो सिर्फ हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, सारे मंदिर में जा रहे हैं सारे राहुल, और ये सारा कुछ हो रहा है। हाँ अच्छा, एक सवाल है कि नरेंद्र मोदी क्या है गुजरात के लिए अभी? नरेंद्र मोदी क्या है, ये मेरे लिए अपने अपने एक लर्निंग एक्सपीरियंस भी रहा। क्योंकि नरेंद्र मोदी, इससे पहले हमने यूपी चुनाव कवर किया था, आपने भी किया था, मैंने भी किया था, वहाँ पे नरेंद्र मोदी हिंदुओं के बीच में हीरो थे, एक सेवियर थे, जो कि यूपी की पॉलिटिक्स को एक लंबे दौर ऑफ मिसगवर्नेंस से निकालने के लिए रिप्रेजेंट कर रहे थे। एक ऐसा लीडर आया था। लेकिन गुजरात में नरेंद्र मोदी नए लीडर नहीं है जैसे भारतवर्ष में है। वहाँ पे वो 22 सालों से पहले से ही मोदी को जानते थे, और इतने साल में 3 टाइम चीफ मिनिस्टर रहे, तो उनको जानते थे। तो उनके भाषणों से, उनके वादों से, उनके अलग अलग तरीकों से गुजरात के जो लोग हैं, हिंदू लोग हैं, वो वाकिफ़ है, वो जानते हैं, तो उनके लिए ये कोई चीज़ नया नहीं है। अगर तो वो जितने लोगों से मैं बात कर रहा था जो बीजेपी के पहले सपोर्ट बेस थे या फिर कांग्रेस के, तो वो लोग ये जानते हैं कि मोदी जी बहुत अच्छा बोलते हैं, वेरी गुड स्पीकर, बहुत ही अच्छा बोलते हैं और पूरी तरीके से मतलब मन मोह लेते हैं लोगों का। लेकिन इस बार उनकी रैलियों में मुझे वो उत्साह नहीं दिखा, क्योंकि अच्छा, लोगों के लिए उनका उस ये तरीका भाषण कोई नया नहीं है। प्लस उन्होंने हर बार जो चुनाव में जो वादे किए थे, जैसे 2 स्कीमें थी कि कोस्ट लाइन डेवलपमेंट करेंगे, वहाँ नेवी को डालेंगे, या फिर रोजगार, तो लोगों का हर समय ये सवाल था कि वो बहुत अच्छा बोलते हैं, ग्रेस के प्रधानमंत्री है, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने गुजरात की जो इन समस्याओं को का क्या किया। और एक तरीके से वो देखा जाए कि मतलब क्या वो इतने घमंडी हो गए हैं कि आप जो आप ही के लोगों को, जो गुजराती लोगों की इस तरीके से इस पॉलिसी के तहत कमर तोड़ देंगे। ये जो घमंड हर जगह में मुझे दिखा, अहंकार, जो वहाँ पे गुजरात में अहंकार कहते हैं, कि अहंकार इतना आ कहाँ से रहा है। और उसमें ये चीज़ एंटी इनकम्बेंसी इस चीज़ में बहुत ज़्यादा आर्टिकुलेट होते हुए दिखी मुझे नॉर्थ गुजरात में और सौराष्ट्र में, जो कि हार्दिक पटेल और पास मूवमेंट का गढ़ भी है। तो हो सकता है इन दोनों का कनेक्शन भी हो, और आप जैसे साउथ गुजरात गए तो आपको लगा कि वहाँ पे बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है अभी भी, तो वहाँ पे मैं गया नहीं। तो ये सौराष्ट्र और नॉर्थ गुजरात जो 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 फार्मिंग और एग्रीकल्चर का जो सबसे बड़ा पॉइंट है, ट्रेड का कम, तो वहाँ पे मुझे इस तरीके का सेंटिमेंट गाँव में दिखा। अब वो कितना वोट में ट्रांसलेट होता है, क्या होता है, वो सब चीज़ों में मैं नहीं जाऊँगा, मगर एंटी इनकम्बेंसी सेंटिमेंट इस तरीके से, वहाँ के पुराने लोगों से भी बात कर रहा था कि 2012 में ऐसा नहीं था। हाँ, अब इस ऐसा नहीं था, जैसे वन हर साइडेड। समस्या के लिए जब हम बीजेपी वालों से बात करते थे तो कहते थे कि मोदी आएगा और सब कुछ बदल जाएगा हाँ नहीं, कि... ये बल्कि 27 और 28 29 को मोदी जी को गुजरात आना था अपने लास्ट लेग ऑफ इलेक्शन कैंपेन में। उससे पहले कई जगहों में मुझे RSS के वर्कर्स और बीजेपी के वर्कर्स यही बोलते हुए दिखे कि अभी ये सारी समस्याओं की बात हाँ, हो रही ये है, इसीलिए हाँ, लेकिन जैसे ही मोदी आएगा तो वो हवा फैलेगी और वो स्विंग होगा। मैं वहाँ पे 28 और 29 दोनों जगह था, 27 को भी था, मुझे वो होता हुआ दिखा नहीं। क्योंकि इसीलिए नहीं दिखा, क्योंकि मोदी एज अ लीडर,
एज अ सीएम उनके लिए नए नहीं हैं, उनके वो उनके अपने हैं, और जिस तरीके से जो अपनों के साथ जो रूठ जाना होता है या गुस्सा हो जाना होता है वो उस तरीके का दिखा। प्लस उसके बाद सब ये जानते हैं कि मोदी जी आकर वापस चीफ मिनिस्टर तो नहीं बनेंगे, रूपानी जी हैं, रूपानी जी कोई पैन गुजरात लीडर की तरीके से उनको देखा नहीं जाता है कि कोई बड़े लीडर है। एक्चुअली ये हुआ कि मोदी जी के बाद, मोदी जी जब सीएम थे तो उन्होंने अपनी तरीके से कभी भी जो सेकंड लाइन ऑफ बीजेपी लीडरशिप है वो कल्टीवेट ही नहीं की। तो ये चाहे रूपानी हो, चाहे आनंदीबेन पटेल हो, चाहे नितिन पटेल हो, उनके अपने अपने पॉकेट्स हैं। मोदी के जिस तरीके से कांग्रेस पूरे गुजरात में अपील थी, वो उस तरीके का अभी कोई बीजेपी में लीडर नहीं बैठा है जो जिनका गुजरात में पैन इंडियन पैन गुजराती अपील हो। जो और यही बीजेपी का क्रिटिसिज्म कांग्रेस के खिलाफ भी देखा जाए तो यही है कि कोई नहीं, कांग्रेस के सामने भी कोई लीडरशिप नहीं है। लेकिन कांग्रेस के लिए तो इसलिए कम से कम ये कहा जा सकता है कि वो 22 साल तक पावर में नहीं थी, लेकिन मोदी जी तो तीन टर्म में थे तो उनका सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप गया कहाँ। जबकि रूपानी जी जो सीएम है उनको कई बार में नॉर्थ गुजरात में आप जाएंगे तो बोले कोई जानता ही नहीं है, डिस्ट्रिक्ट लेवल लीडर था, उठाकर बैठ गए सीएम के पोजीशन में, इस तरीके का मुझे सुनने को मिला। अब ये हो सकता है कि तो दो तरीके से मैंने इसको सोचा कि एक ये हो सकता है कि 22 साल का जो ये पूरा लगातार चलता आ रहा है, इस बार मोदी जी है नहीं तो वो जो एग्जॉशन है बीजेपी रिजीम के साथ, चाहे उन्होंने अच्छा काम किया हो या बुरा काम किया हुआ किया हो, लोग किस तरीके से उसको समझते हैं, लेकिन एक एग्जॉशन है। तो इस एग्जॉशन के दो तरीके से मैनिफेस्टेशन हो रहे थे। एक तो कि हम इस बार हम गुस्सा है बीजेपी के सरकार से, और जो बीजेपी के अपने ही लोग हैं वो भी एग्जॉस्टेड है, उतनी उस लेवल पे कैंपेन नहीं कर पा रहे हैं, झंडे पैसा बहुत खर्च हो रहा है लेकिन जो एनर्जी जो काडर का था बीजेपी और आरएसएस का वो मुझे कहीं वो भी नहीं दिखा। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी का जो चुनाव प्रचार करने का तरीका है, इसमें क्या फर्क आपको नजर आया और कितना किसका प्रभावशाली इस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी का एज ऑर्गेनाइजेशनल मशीनरी मुझे उनका कैंपेन बहुत ज्यादा होता हुआ कहीं दिखा नहीं। दोनों ही, कांग्रेस तो हमेशा से उनकी ऑर्गेनाइजेशन इतनी ज्यादा वीक है पिछले 22 साल में कि वो कभी नहीं करते हैं। एक बार कैंडिडेट का लिस्ट तैयार हो जाता है तो उसके बाद वो जाकर अपना कैंपेन अपने अपने ग्राउंड में करते हैं, लेकिन बीजेपी के साथ आरएसएस उनकी ऑर्गेनाइजेशनल मशीनरी, सारे जो सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड इन लोगों ने 22 साल में दबदबा बनाया अपना, लेकिन वो लोग बाहर निकल के आ नहीं रहे हैं। और उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि पाटीदार का जो ये एजिटेशन है, और बीजेपी का जो पूरा जो रीढ़ की हड्डी थी वो पाटीदार था, 15% जो अमीर भी थे वो गरीब भी थे। अब जो है पाटीदार आंदोलन के बाद बहुत ज्यादा नाराज हो गए हैं, और जो लोग जो पाटीदार बीजेपी के साथ अभी भी है वो अपने समाज में दिखना नहीं चाह रहा है कि मैं बीजेपी के लिए के साथ हूँ। हालांकि जाके वो वोट करे लेकिन वो समाज में नहीं दिखना चाहता है कि मैं बीजेपी के लिए कैंपेन कर रहा हूँ। तो बीजेपी का कैंपेन मुझे कहीं नहीं दिखा। अब जब चुनाव के लिस्ट सब निकल रहे हैं तो उसमें रैलियां दिख रही हैं, लेकिन जो छोटे छोटे जगहों में चर्चाओं में ये जो एक उत्साह बनता था बीजेपी का, वो जैसे यूपी में था या फिर गुजरात में कई वर्षों तक रहा, वो मुझे कहीं भी दिखा नहीं। अब हो सकता है कि मैंने ठीक से देखा नहीं हो, लेकिन मुझे दिखा नहीं। सवाल आखिरी ये है करीब करीब कि गुजरात के विकास, गुजरात में कितना विकास हुआ है या उसके विकास मॉडल पे आप कुछ बताना चाहेंगे? विकास मॉडल के बारे में इतनी ज्यादा कुछ बात नहीं हुई, लेकिन जो ट्रेडर्स जो हैं, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज चला रहे हैं, उन्होंने लगातार मुझे ये कहा कि ये जो विकास का मॉडल है ये सिर्फ बड़े उद्योगपतियों के लिए है। सेरामिक इंडस्ट्री जो 500-600 हजार करोड़ के इंडस्ट्री है, वो भी ये कह रहे थे कि ये बड़े इंडस्ट्री को सारा कुछ दे देंगे। तो उस तरीके का एक गुस्सा दिखा। हालांकि जो उनके सेरामिक इंडस्ट्री के जो फोरम्स हैं वहां उनसे आप बात कीजिएगा तो वो बीजेपी के समर्थन में आपको कहेंगे, वहां से उतरे और सेरामिक इंडस्ट्री के इंडिपेंडेंट ओनर से बात कीजिए तो इस तरीके की भाषा। तो ये पूरा जो मीडिया में जो आ रहा है, जो ऑफिशियल सड़क बिजली पानी और स्कूल अस्पताल, इनकी बात मैं कर रहा हूँ, नहीं उसमें विकास का इस बार का एक ही है कि विकास का मतलब किसानों का पेट भरना, रोजगार दिलाना,
हेल्थ की बात कहीं मैंने ज़्यादा देखी नहीं कि स्वास्थ्य होना चाहिए और एजुकेशन पाटीदारों का एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि ये प्राइवेट एजुकेशन जो कि पैसा तो बना रहे हैं मगर नौकरियां नहीं दे रहे हैं इनको ख़त्म करना है एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन ये पाटीदार आंदोलन में जिस तरीके से रिजर्वेशन की बात हो रही है जो यहाँ दिल्ली में भी बहुत सारे रिजर्वेशन की भी बात मुझे बहुत ज़्यादा नहीं दिखी कि पाटीदार ये नहीं कह रहा है कि अनामत होनी चाहिए मुझे, अनामत का मतलब रिजर्वेशन गुजरात में, तो वो नहीं होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, वो सब कहीं मुद्दा ही नहीं है अभी। अभी ये बस मुद्दा है कि ये सरकार ने रोजगार और हमारे लिए क्या किया, क्यों इस तरीके से कर रही है और क्यों बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंच रहा है लेकिन हमें कुछ फायदा नहीं पहुंच रहा है। आप लेकिन आदिवासी बेल्ट में घूमे, आप वहां का कुछ बताइए, मुझे वहां नहीं घूमा मैं। नहीं, मैं आदिवासी बेल्ट में था तो वहां पे कांग्रेस और बीजेपी दोनों लोगों ने, मतलब जो कांग्रेस का गढ़ है पर बीजेपी ने अपने पैर जमाने की बहुत कोशिश की है, तो पूरा इलाका जो है वो बढ़िया, मतलब वहां पे चुनावी चर्चा चल रही है, चल रही है। हाँ, वहाँ क्या लगा आपको 50-50? हाँ, 50-50 से ज़्यादा की मतलब बीजेपी गेन करते हुए दिखी, क्योंकि बीजेपी ने उस क्षेत्र में बहुत सारा काम किया है। हालांकि लोगों के विवाद अलग अलग हो सकते हैं, हर इलाके में पक्की सड़कें थी, मैंने मतलब विकास का पैमाना तो ये देखा कि सड़क, बिजली, पानी, तो मतलब बहुत सारे आदिवासी गाँवों में वो सड़कें पहुँच गई हैं, बिजली की 24 घंटे व्यवस्था थी, पानी की ठीक सुविधा थी, और नहीं, और ये सौराष्ट्र में सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि पानी नहीं है यहाँ। कच्छ में सबसे बड़ा है कि पानी नहीं है, कहाँ है ये पानी? जब आप साउथ गुजरात जाते हैं या सेंट्रल गुजरात जाते हैं तो वहाँ कहते हैं कि सौराष्ट्र में सारा पानी चला गया क्योंकि बीजेपी का क्लेम था। लेकिन सौराष्ट्र में आप जाते हैं तो वहाँ पता वहाँ बोलते हैं कि सब गुजरात में, गुजरात मतलब साउथ गुजरात और सेंट्रल गुजरात, वहाँ सारा पानी गया। तो पानी है कहाँ, ये मुझे समझ नहीं आया। पानी का सारा इलाका साउथ गुजरात में ही है, दक्षिणी गुजरात में, और वहाँ से उन लोगों का कहना था कि हमें पीने का पानी तो मिल रहा है पर हमें सिंचाई के लिए पानी नहीं मिला क्योंकि ये सारा पानी सौराष्ट्र जा रहा है। लेकिन सौराष्ट्र के लोगों से मैंने कई फेसबुक लाइव भी किया, वहाँ सबसे बड़ा मुद्दा पानी ही था कि पानी नहीं मिल रहा है, हम यहाँ बोरिंग लगाकर 22-22 लाख रुपए खर्च करके 1200 फीट नीचे जा रहे हैं तब जाकर पानी मिल रहा है। अच्छा, इसके बाद जब मैं सूरत आया तो सूरत में भी था कि व्यापारियों की जो समस्या थी उनकी एक ये अच्छी बात थी कि उन्होंने, उनका ये कहना था कि 15 साल से हम व्यापार तो कर रहे हैं, एक माहौल बीजेपी ने दिया है, ये उनका कहना था। नहीं नहीं, माहौल वो सब कंसीड करते हैं, सब कंसीड करते हैं कि बीजेपी के आने से ये सारी चीजें तो बहुत हुआ, लेकिन 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 अब जो है लास्ट, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तो उनका घमंड बढ़ गया है, अहंकार बढ़ गया है, और क्योंकि हाँ, और 22 साल के रहने के बाद अब उनको लग रहा है कि ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि कोई एक पार्टी इतने दिन तक रहे, हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। एग्जैक्ट ये है कि कांग्रेस से उन्हें प्यार नहीं है, बीजेपी से, कांग्रेस से प्यार कहीं भी नहीं दिखा, कहीं भी नहीं दिखा। लेकिन जो तीन लोग दिख रहे थे अलग अलग अपने क्षेत्र में, एक तो हार्दिक पटेल का प्रभाव, अल्पेश ठाकुर का प्रभाव, जिग्नेश मेवानी का कम प्रभाव, मगर दलितों में उनका प्रभाव थोड़ा दिखा। लेकिन जो मेन है वो है पाटीदार आंदोलन, और पाटीदार आंदोलन की वजह से बीजेपी अननर्व्ड है। जो लास्ट बात मैं कहना चाहूँगा कि इलेक्शन लड़ी जाती है कोर वोट से, कांग्रेस का वहाँ पे ज़्यादा कोई कोर वोट है नहीं, ठाकुर समाज में है, कुछ दलितों में है, कुछ अलग अलग जगहों में एक कोर वोट है जो कांग्रेस को ही वोट करता है। बीजेपी का वो अराउंड 10-15% होगा बीजेपी का, लेकिन एक 30% कोर वोट था बनिया, जैन, पटेल और अलग अलग लोहाना, ये सारे हैं, ये हिल गया है, ये हिल गया है, ये मैं श्योर शॉट बोल सकता हूँ। हालांकि उसमें बीजेपी जीते या हारे उससे नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये कोर वोट में शेकअप दिख रहा है, और वो कोर वोट के बिना किस तरीके से होगा ये, लेकिन चुनाव जो है ये बैटल फॉर हिंदू वोट्स है, मुसलमान क्योंकि ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि वो बीजेपी को हराना चाहते हैं, क्योंकि कहीं मुसलमान के लिए सोशल जस्टिस का बीजेपी ने कभी ना उठाया है और अभी भी नहीं उठा रहे, क्योंकि वो हिंदू वोट को कंसोलिडेट करके हिंदू करना चाह रहे हैं, और अलग अलग तरीकों से आजकल ये हो रहा है कि हिंदू अगर उधर कांग्रेस को वोट करेगा तो ये एक फैलाया जा रहा है कि अगर कांग्रेस की रेजीम आती है तो मुसलमान बैठा हुआ है 2002 का बदला लेने के लिए, ये एक डर, ये सब अफवाह बहुत सारी इस तरीके से। देखते हैं क्या होता है, बहुत कठिन चुनाव है बीजेपी के लिए, लेकिन हाँ, विश्लेषकों के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी, देखते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच।